नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस, केपी कॉलेज मुरलीगंज मधेपुरा। आज मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए पेपर वन के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। किसी भी विषय को स्वतंत्र या स्वायत्त बनाने के लिए उसकी मान्यताएं, क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियां, प्रविधियां के साथ साथ उसका सिद्धांत का होना आवश्यक है। अर्थात सिद्धांत के बगैर कोई भी विषय स्वतंत्र विषय नहीं हो सकता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान विषय को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अमेरिकी राजनीतिक विद्वान डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र को व्यवस्थित बनाने के लिए सिद्धांत निर्माण आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर के बना है, राजनीति तथा सिद्धांत। राजनीति के अंतर्गत हम लोग राज, सरकार, उसकी प्रकृति, उसका उद्देश्य, शक्ति, सत्ता, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तथा दूसरा शब्द सिद्धांत है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा तो राजनीतिक सिद्धांत को हम बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्धि का अंत। अर्थात सिद्धांत वैसी अवधारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ करना था वो कर चुके, अब अस्थिर मूल अपनाने का समय है। तो होता क्या है कि कोई प्रत्येक व्यक्ति समाज में वस्तु, प्रक्रिया, घटना इत्यादि को देखता है, बार बार देखता है, दो चार बार अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बाद एक उसे संबंधित जिस वस्तु, प्रक्रिया, घटना को देखता है, अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद वो अंत में एक परिणाम निकाल लेता है, एक निष्कर्ष निकालता है, वही सिद्धांत कहलाता है उसके संबंध में। अर्थात निरंतर चिंतन के पश्चात या शोध के पश्चात जो भाव निष्कर्ष निकलता है, जो परिणाम निकलता है, उसी को सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात सिद्धांत जो है वो व्याख्यात्मक नियम का समुच्चय है, यानी कि सामान्यकरण है। सिद्धांत जो है व्याख्यात्मक समुच्चय का नियम है। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि राजनीति से संबंधित सिद्धांत, इसको हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूशो, कार्ल मार्क्स इत्यादि ने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किए हैं। ये महापुरुष अपने तत्कालीन समय में राजनीति से संबंधित समस्याओं को देखा, परिघटनाओं का देखा, प्रक्रियाओं को देखा, घटना को देखा, तो उसके संबंध में, उसके समस्या के निदान के लिए उन्होंने एक नियम बनाया। वही नियम, वही निष्कर्ष सिद्धांत कहलाता है। अर्थात सिद्धांत जो है वो समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। तो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन एथेंस में नगर राज जो स्वतंत्र थे, प्राचीन एथेंस में जो जहाँ लोकतंत्र था, तो वहाँ सुकरात जैसे महापुरुष को हत्या कर दिया जाता है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के सिद्धांत का निर्माण किए, दार्शनिक राजा का निर्माण किए। उनका उद्देश्य, वो सिद्धांत निर्माण करने का उद्देश्य था कि एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था बनाया जाए जिसमें समस्या नहीं हो, या जिसमें सुकरात जैसा महापुरुष का हत्या नहीं हो। अतः वो राज्य, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिए। हम लोग सभी पढ़े हैं आदर्श राज्य का सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिए। आदर्श राज्य कैसा होगा, मानव के अंदर में जो तीन तत्व होते हैं उसका प्रकट रूप ही आदर्श राज्य है। यानी कि वो विवेक, साहस, क्षुधा, मानव के रूप में, मानव आत्मा में जो तीन तत्व हैं वही अगर प्रकट रूप होता है तो वही आदर्श राज का रूप धारण करता है। दार्शनिक राजा के बारे में भी वो सिद्धांत दिए कि
वैसा व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जो विवेकी हो, जो विवेकी अर्थात राज कार्य सभी व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकता है, जिसमें असाधारण प्रतिभा हो वही राज का शासन संभाल सकता है, वही शासक बन सकता है, अर्थात राजा को दार्शनिक होना चाहिए। तो उन्होंने रिपब्लिक के माध्यम से आदर्श राज का सिद्धांत दिए, प्लूटो जो कि प्राचीन राजनीतिक विज्ञान का वो दर्शन, इसको समझ सकते हैं कि प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता कहा जाता है प्लूटो को। हम दूसरा उदाहरण के रूप में मैकियावेली के नाम ले सकते हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया, राज्य के शासन के संबंध में उन्होंने निर्माण किया। हॉब्स का नाम आता है, हॉब्स ने अराजकता को समाप्त करने के लिए निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिए, क्योंकि उस समय 1640 से 45 के अंतर्गत इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, अराजकता का माहौल था, गलाकाट प्रतियोगिता था, तो इसे बचने के लिए हॉब्स ने लेवियाथन के माध्यम से निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिए। सारा शक्ति निरंकुश संप्रभुता में नहीं थे, उसका इच्छा ही सर्वोपरि है। दूसरा उदाहरण हम लॉ को ले सकते हैं जो कि गौरवपूर्ण क्रांति के बाद संवैधानिक शासन से संबंधित वो सिद्धांत का निर्माण किए। कार्ल मार्क्स का नाम ले सकते हैं जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में उन्होंने शोषण देखा, अत्याचार देखा, इसके आधार पर वो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत निर्माण करते हैं कार्ल मार्क्स ने। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं और सामान्य नियमों का वैसा समूह है, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित धारणा और नियमों का वैसा समूह है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार समाज की विशेषता प्रकृति कार्य इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, इत्यादि के बारे में वर्णन शामिल होता है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम व्यक्ति समाज तथा राज के बारे में विस्तृत व्याख्या का अध्ययन करते हैं और इसको अध्ययन करने के लिए विभिन्न पद्धतियां शामिल होता है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम विभिन्न राजनीतिक संकल्पनाओं अवधारणाओं का समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पर्यावरणिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर इसको अध्ययन करने का प्रयास करता है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत प्राचीन राज्य के कार्य एवं स्वरूप से लेकर के वर्तमान राज्य के कार्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक विश्लेषण भी समाहित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का वैसा जाल है, वैसा विषम जाल है जिसमें राज्य सरकार के प्रकृति उद्देश्य को समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक समस्याओं या सामाजिक समस्याओं को गहन से अध्ययन करने का प्रयास करता है ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना है, राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास करते हुए एक ऐसा समाज का निर्माण करना है, एक अच्छा राज का निर्माण करना है। और इस प्रक्रिया में विभिन्न संकल्पनाओं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है जो ऐतिहासिक आधार पर वो परखी गई हो और वो अनुकूल हो। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित करने का कोशिश किया गया है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। एंड्रू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल दोनों समाहित है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तथा कॉल जे पॉपर के अनुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार जकड़ा हुआ है।
ताकि उसको समझा जा सके। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषित करने का कोशिश किया गया है, और अंत में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा एक अच्छे समाज और राज का निर्माण किया जा सकता है, जिसे राजनीतिक समस्याओं का गहनता के साथ अध्ययन करने के बाद उसका समस्या का अंत हो और एक बेहतर सामाजिक जीवन की प्राप्ति हो। नेक्स्ट क्लास में हम निर्धारित सिलेबस के अनुसार व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड इट्स मीनिंग के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक नमस्कार, बाय बाय।